एक इनवाइट आया है क्रिकेटर इमाम की शादी में जा रहे हैं। मैं तो नाश्ता नाश्ता ही दे के नाश्ता बन गई यहाँ। प्यारा इनवाइट आया खाली डब्बी बेच इनवाइट है माशाल्लाह। ये मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट की थी तो मैंने इसलिए स्पेशली पहनी है। अरे मुझे दूर से पापा नजर आ गए। और ये सब मुझे कह रहे हैं ग्रीन की पहन के मैंने पाकिस्तानी टीम की शुरू हो चुका है। शुरू इसलिए हुआ है क्योंकि आज मुझे जाना है एक शादी पे जिसके लिए मैं कल जो है वो कपड़े लेकर आई थी जो काले जोड़े। हमें जाना है कवाली नाइट पे क्योंकि एक इनवाइट आया है। सबसे पहले मैं आपको इनवाइट दिखाऊंगी कि शादी किसकी है। आपको अंदाजा हो ही गया होगा टाइटल थंबनेल देख के। जी हाँ, तो हम क्रिकेटर इमाम की शादी में जा रहे हैं। मैं और अरीब जाएंगे वहां से जो है वो हमें इनवाइट आ चुका है। तो अभी सबसे पहले हम नीचे जाते हैं, आपको इनवाइट भी दिखाते हैं और दूसरी चीज हम पहले करते हैं नाश्ता। और तैयार कहां से होएंगे, खुद होएंगे या किसी सैलून पे जाएंगे, ये भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर मैंने अपनी स्टाइलिस्ट को कॉल करके बोल दिया है, कुछ चीजें अरेंज होती हैं तो फिर बाकी सारी चीजें आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूं क्योंकि मेरे को नाश्ता करना है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई और कल से मैं इंतजार कर रही हूं कि आज साग बनेगा तो मैं पहला साग खाऊंगी। तो खैर वो साग शाग खाते हैं हम। चैनल सब्सक्राइब कर दी है, नहीं किया कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। पहले हम दूसरों की शादी अटेंड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपनी खुद की शादी अटेंड। और अभी बहुत से काम बाकी हैं, बहुत सा ट्रैवल भी बाकी है तो शादी से पहले भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने स्टे कनेक्टेड रहना भाई एस्ट्रोलॉजी से। अभी फिलहाल चलते हैं। हमारा शमला जो है ना वो मैं साफ किए बगैर जा रही हूँ। बैग अपना टेडी बियर के ऊपर रख दिया, तू सुकून कर। ओके हम चलते हैं नीचे। चले जी हम आ चुके हैं नीचे और हम आपको दिखाते हैं फाइनल वो इनवाइट। सबसे पहले जो हम अपनी वीत है हमारी नीचे आके करने की वो जी मम्मी नाश्ता। ये देखो मम्मी आ गई। मम्मी नाश्ता आए ला, एक नु नाश्ता, दूसरी नु नाश्ता, तीसरी नु नाश्ता। मैं तो नाश्ता नाश्ता ही दे के नाश्ता बन गई यार। मेरी मम्मी नाश्ता बन गई है यार। मम्मी साग खाना, साग। हाँ इधर बैठ जाओ, साग तेरे सामने आज रेडी होके आए। आज किचन में नहीं आने का लाओ? नहीं नहीं आने का लाओ? नहीं, सरप्राइज। मेरी मम्मा मुझे सरप्राइज दे रही है। पता है क्या मैंने पापा को कहा? पापा कहते क्या बने? मैंने कहा सरप्राइज। हाँ। खुश खुश आ रहे घर आके खाने में, मैंने दिया आलू बैंगन। हाँ सर क्या, जब मैं कहती हूँ कि सरप्राइज, कहते मैंने सरप्राइज ना दे, तू दस ही दे। तू दस ही दे। पापा मम्मा ने कहा ना सरप्राइज, पापा ने कहा ना आई। मम्मा ने कहा ना बैंगन। मैंने आगे बैंगन रखे, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये पापा सर सही है ऐसे के सरप्राइज, बड़ा खुश हो गया। अरे हाँ सरप्राइज तो सच्चा होगा। हाँ बिरयानी होगी, पुलाव होगा, मटन नली होगी। मम्मा नहीं मैंने साग के अलावा कुछ नहीं खाना। सरप्राइज। ओके ये आया है हमको इनवाइट। वाओ बदतमीज, ये क्या हरकत है फातिमा? जुराबे कितने तुम बदतमीज हो। वाओ कितना प्यारा इनवाइट आया खाली डब्बी बेच। अच्छा मोमबत्ती भी आई है नाल। और नॉर्मल लोगों के जो हम जैसे होते हैं उनके पास सिंपल ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी बहन का इनवाइट आएगा ना फिर लोग तो मैं कहेंगे गाइस ये बोलती व्लॉग में कुछ और होते हैं। थोड़ी पैसा लगाया तो इसने लगाया, जब मेरा होगा मैं तो सिंपल शादी करूंगी। फातिमा की शादी सबसे सिंपल होने वाली है गाइस। ये ऐसी लड़का तो मिल जाए सबसे ज्यादा इनका इंतजार करिए जी। ये हमारा इनवाइट बॉक्स था और ये हमको आया है इमाम एन अनमोल। वाओ तो आज हम जाने वाले हैं कवाली नाइट पे, मैं और अरीब जाने वाले हैं। बाकी बहनें कह रही थी हम थोड़ा सा मसरूफ हैं वरना ये लोग भी साथ जरूर। गाइस झूठ बोले से पूछा ही हमसे। बकवास कर रही है गाइस, गाइस झूठ नहीं बोलेगा। सुन ये ब्लॉग क्या क्या ऐसे कह रहे हैं, जाना तो आजा। लेकिन हम जो आके क्या करेंगे? देखा मुझे पता था इन्होंने आगे से हम जाके क्या करेंगे। मस्ती होने वाली है कि नहीं? मस्ती होने वाली है, वहाँ पे काफी सारे लोग आने वाले हैं। कौन कौन? डिफरेंट ट्रिक, क्योंकि क्रिकेटर की शादी है, क्रिकेटर आ रहे हैं। फिर तो हम मिल लेंगे ना, बाबर आजम भी आ रहा है फेवरेट, तो मैं जलाऊंगी अगर मैं वहाँ बाबर आजम से भी मिलूंगी। फिर मैं जा सकती हूँ अगर बाबर आजम आ रहा है। हाँ आ रहा है बाबर आजम। खैर नाश्ता करते हैं और फिर रेडी शेडी होते हैं। चले जी मेरा सरप्राइज आ चुका है जी। वो मम्मा ने आज जो आपने यार बड़ा बिंदास सरप्राइज दिया पराठे के साथ। अभी ट्राई करते हैं मम्मा ने ये सर्दी का पहला साग बनाया कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दिल कर रहा जिसने बनाया उसके हाथ चूम लूं। मुंह भी चूम लूं। मेरी मम्मी दी बेस्ट शेफ। अब मैं नाश्ता करती हूँ गाइस क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। नाश्ता जल्दी करूंगी तो जल्दी रेडी होना स्टार्ट होंगी क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 4 और हमारा वहाँ पे 7 बजे का टाइम है। हमें 7 बजे वहाँ पे पहुँचना है तो
सास को। चलें जी गाइस, मेरा एक अदर ड्रेस सिलेक्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसके अंदर ब्लैक कलर एडजस्ट हो रहा है और अब सिर्फ मुझे शावर लेना है, तैयार होना और अपनी ज्वेलरी निकालनी है। ज्वेलरी मेरी कहाँ पड़ी है ये आपको पता है कहाँ पड़ी है? इधर पड़ी होती है मेरी हल्की आंच पे। यहीं से हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि मैं अपना ज्वेलरा बॉक्स खोलूंगी, कोई अच्छी सी ज्वेलरी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर होते हैं रेडी और अब शावर लेके आते हैं। लेट्स गो। जी मेरा ये वाला ड्रेस है, ये मैंने मेकअप निकाल दिए हैं सारे अपने, ठीक है। ये मेरी साड़ी है, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ और इस मैडम ने मुझे करना है तैयार। गेट रेडी। यस, तैयार होके दिखाती हूँ। दिस इज माय फुल लुक, मैं हो गई हूँ तैयार। ये मेरे बाल, ये मेरा मेकअप, मेकअप इज डन बाय वन एंड ओनली हिरा फैसल। इस होलिया में कोई मुझसे पूछ रहा है ना जी आप क्या करिए इनके साथ, मैं कह रही हूँ मैं इनकी काम वाली हूँ भाई। ओह नो नो नो, शी इज आवर स्टाइलिस्ट, शी इज माय पर्सनल स्टाइलिस्ट। हाँ, ये मेकअप मुझे मम्मा कहती है तू मेकअप वो खोल ले, मैंने कहा भाई क्या बात क्या है? मम्मा कह रही इसको सलोन में ना ले यार। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, आज मुझे पता चला कि हीरा ने तैयार किया है। कैसी लग रही हूँ? आप लोग इधर आए, फुल मैचिंग कर ली, इधर आए आप दोनों की फुल लुक दिखाई, हल्की आज की मैचिंग की। ये पहले स्टोर कोई और पहनी हुई थी, अभी फिर चेंज की है, मैंने कहा तो वाली लुक भी आया ना। ये हमने रिंग से आज कपड़े पहने, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है बहुत। ये सबसे अच्छी पता है कवाली वाइब इसकी ये लग रही है जिसपे मस्जिद बनी हुई है। और डकी भाई लेट है, डकी भाई ऐसे ही लेट है, वेट कर रहे हैं, वो आपके पहुंच गए हैं, बस निकलते हैं अब, ठीक है? जल्दी जल्दी शूट करवा लो थोड़ा सा, फिर निकलते हैं, वो 5 मिनट पहुंच रहे हैं, ठीक है? ओके गाइस, तो यहां पे हमारे शूट हो रहा है बहन जी जैसे समथिंग। देखिए जी, मुझे प्रॉप के तौर पर यूज किया जा रहा था, अब यहाँ पे वो शूट करवा रही है हीरा और मेरे साथ ये हो रहा है। हीरा को लाइट, मैं बस वैसे आऊँ पिक्चर के जाओ और जाओ। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मैडम फुल शूट करवा रही है, वाह 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 वाह। सो गाइस, हम लोग निकल आए थे घर से बाहर और क्योंकि हमारा शूट वूट हो गया क्लियर, ये हैंडसम बॉय जो है ना, ये हैंडसम बॉय, वालेकुम अस्सलाम, पहले भी आपने सलाम लिया नहीं जब मेरा कैमरा ऑन होता है। आदाब 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 वाला सलाम था। तो गाइस, जो डकी भाई हैं वो एजेलिनी देखी, ओए 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 माशाल्लाह, ये मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट की थी तो मैंने इसलिए स्पेशली पहनी है, माशाल्लाह वेरी नाइस। चलो निकले हैं पहुंचे। तो गाइस, हुआ कुछ यूं है कि डकी भाई एज यूजुअल हो चुके हैं लेट फिर से, तो अब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वहाँ पे मैं और अरी पहुंचेंगे और अरूबा डकी भाई वहाँ पे पहुंचेंगे, वहाँ पे उनको ज्वाइन करते हैं और फिर जाएंगे, देखते हैं आज किस किस क्रिकेटर से मुलाकात होती है। अरीब, आई रियली वॉन्ट टू मीट बाबर आजम, और सबसे मिलना है, और सबसे मिलना है यार हमारी भाई, मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूँ भाई, मैं तो कहता मैंने सबसे मिलना, मैंने भी सबसे मिलना, आई वांट कि मुझे वहाँ पे सब मिले। हमें यहाँ पे डकी भाई की गाड़ी ने ज्वाइन कर लिया है, बड़ा टाइम पे हो गए हम लोग, वरना आज इवेंट खाली हो जाना था बिल्कुल। फाइनली हम लोग यहाँ शादी में पहुंच चुके हैं, हमको ज्वाइन कर लिया है अरूप ने, डकी भाई सबके साथ पिक्चर्स बना रहे हैं। अरे मुझे दूर से पापा नजर आ गया मुझे नजर आ गया, लेकिन मैं विदाउट कॉन्सेंट, आप किसी को वीडियो में नहीं लेते हो, पहले उनसे मिलेंगे अपनी तरफ से, अगर वो हमें अलाउ करेंगे तो फिर हम उनको, बट नजर आ गया यार, मतलब इट्स अ फैन मोमेंट, ईमान से भी मिले हैं। हाँ, जो हमारे रूम है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा ना गाइस। ये देखें जी, खाना शाना खुल गया जी, मटन है यहाँ पे, पुलाव शुलाव है और नान शान है, बड़ा मजे का खाना है यार, धुएंदार खाना है यार, खाएं। मेरे लिए भी प्लेट भर लेना। आप अपने लिए खुद क्यों नहीं डाल? दो प्लेटें भरनी है, दो प्लेटें दोनों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि लड़की नहीं शर्मा रही, लड़के शर्मा रहे खाना अपलोड करने से, खाना प्लेट में अपलोड ही नहीं हो रहा है इनसे, ब्लॉग अपलोड हो जाते हैं, खाना ही नहीं अपलोड हो रहा। सो यहाँ पे है जी हमारा सैलेड बार, जो कि आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, डिंग 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 और डिंग और बस, ठीक है, ड्रिंक है और सैलेड है। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक हो? व्लॉग में आना था आपने, क्या कहना है जल्दी से कहो, जल्दी जल्दी। मैं आपकी सबसे बड़ी सब्सक्राइबर हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है अबीरा, हाँ? से मिलना चाहती थी लेकिन उसने कहा आप मिले तो वही काफी। ओए अल्लाह, सो स्वीट यार, थैंक यू, वेलकम। ये देखे जी गाइस, सारी खाना शुरू कर दिया इसने, वहाँ पे कवाली शुरू हो गई है, इतना खाना खा ले, कवाली एंजॉय करियो, ताज़ा खाना खाए। चलें जी, हम लोग हो गए हैं यहाँ से फारिग, ये दोनों मर्द हजरात इधर खड़े हुए हैं, हम खातून जो है ना वो अंदर गप्पे शप्पे लगा के, कवाली हमने एंजॉय कर ली थी, चाय शाय कोई नहीं पी यार क्योंकि बड़ी गर्मा गर्म थी, और हमको बस बाबर आजम से मिल लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाबर आजम से मिल के अच्छा लगा है भाई, सबसे मिला है सारे थे बीच में।
साथ हमारी मुलाकात हुई है भाई, हमारा ख्वाब था हम बाबर आजम से मिला, वो मिल लिया। चलें जी, हमारी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ से उतरना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है यार, इसकी ना सरफेस क्योंकि चेंज है। साथ में व्लॉगिंग करना इज नॉट एन इजी टास्क। हेलो हैंडसम, डिड यू एंजॉय? यस, बहुत मजा आया, बाबर से मिले, सबसे मिले, अच्छा लगा। बाबर बहुत बिजी था यार, उससे मैं उसको कहना चाहता था मेरे फेवरेट प्लेयर है। हाँ। पाकिस्तानी टीम का फेवरेट, लेकिन ये कहने का भी मौका नहीं मिल सका, लेकिन यार बहुत बिजी था ना, लोग बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे उसके पास। अभी हम लोग चलते हैं, डकी भाई और अरूब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हम कहीं जाके बैठते हैं, चाय सही तरह से खा नहीं सके थे वहाँ, क्योंकि हम भी बिजी हो गए थे, थोड़ी हमने रिले शीले बनाई और बाकी हम कॉलेज इंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। इमाम उल हक साहब बहुत अच्छे से मिले, उनको बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत अच्छे थे, उनकी फैमिली माशाल्लाह, कपल बहुत अच्छा, उनकी फैमिली बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से मिले, तो हमें बड़ा अच्छा लगा उधर जाके। अब हम लोग चाय शाय पीने चलते हैं, लास्ट कॉल। गाइस, हम लोग इवेंट से फारिग हो गए, अब आप सोचें कि मेरी सबसे ज्यादा बुरी हालत लोगों की हील पहन के होती है, मेरे के छह उतारो इनको, सत्तर ही भी देखे, उतारो बस, उतारो इनको आराम से, चार मन के ये पहने हुए हैं, चार नहीं सत्तर मन के, अरे सत्तर मन के हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके। बस गाइस, हम लोग आ गए यहाँ पे, कहीं बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे ना खाना शाना खाने आए थे, ठीक है, मुझे एक बड़ी प्यारी छोटू सी बच्ची मिली है, अब मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, आपने हमें कैसे पहचाना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं? सोने की अम्मा बोल रही है कि सो रही थी और फिर भी यहाँ लेके आई है, कैसे? गाड़ी ने कहा, चलो जी, उसकी वजह से हम एक छोटे से बेबी से मिल पाए, ठीक है, अब हम पिक्चर बनाते हैं और फिर बच्चे को कहेंगे जाके सोए, नींद पूरी करें, अम्मा को भी तंग ना करें, ठीक है। जब होने लगा यहाँ पे अल्लाह हाफिज, बड़ा मजा आया आज तो बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ, चले जी, हम लोग वहाँ से निकल आए थे और अब जा रहे हैं मेरे घर पे, मुझे वो करने के लिए, क्या करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, डीआरओपी करने के लिए, डीआरओपी करने के लिए। अरीफ पे मेरा असर चढ़ गया, मैं क्योंकि अक्सर कैचअप मांगती हूँ, मैं कहती हूँ KETCHUP दे दो, इतने लंबे स्पेलिंग। चलते हैं फिर, लेट्स गो होते हैं। चले जी, हम आज जो है ना वो डायरेक्ट बेल देंगे, फोन पे कॉल नहीं करेंगे। ओके ओके वरना खुलती नहीं है। बड़ा मजा आया यार, मजा आया ना, धुंध हो गई है, सबसे मिलके मजा आया, सबसे अच्छा एंजॉय किया, कवाली बहुत मजे की थी, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, कवाली वाकई में बहुत, मतलब वो सबसे मेरी फेवरेट कवाली है, ये जमी जब ना थी जहाँ जब। क्या हुआ? मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों, आपका क्या मसला चल रहा है? मैंने PS5 निकाल के रखा हुआ, वो लाना याद नहीं रहा मुझे। ले दो इनको, याद है? सीरियसली? पक्का? आपकी याद नहीं करवाती आपकी? अच्छा, सच झूठे? एक्चुअली मानो ने कुछ चार दिन से अरीफ को कहा था कि अरीफ PS5 जो है ना वो ला देंगे मानो को, जो कि गया हुआ है। ये अरीफ साहब और जैनब की हो चुकी है सुलह, बड़ी मुश्किल से करवाई है हम लोगों ने, ठीक है। और अरीफ ने अंदर मामा वगैरह सबसे मिल लिया था और अब जाने का वक्त हुआ चाहता है। लेट्स गो, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से जाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, नींद पूरी करना, ओके, बाय बाय। मैं भी चलती हूँ भाई। ओ माय गॉड, मैं अपने कमरे में एंटर हुई हूँ तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इस लड़की ने तैयार होने में जितना स्टेमिना लगाया था उससे ज्यादा गंद अपने कमरे में डाल चुकी हूँ मैं। अब जो है वो प्रॉपर हम क्या करेंगे ना, चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद बनेंगे मासी सफाई वाली और फिर प्रॉपर अपने कमरे की सफाई करेंगे, क्योंकि उसके बगैर मैं सो नहीं सकती। क्या हुआ फातिमा? मेरा फोन चिपकली के ऊपर। किधर है चिपकली? किधर है? किधर है फातिमा? किधर है यार? चली गई है, मुझे लगा कोई पिलपिला सा धागा है। नाचती हुई बाहर आई है यार। मैं अंदर अपने कप चेंज करके अपने कमरे की सफाई कर रही थी और एकदम नाचती हुई एक औरत बाहर आई है। मुझे लगा मैं इसको पानी निकाल रही, मेरे पैर के नीचे कुछ आया है, ठीक है, मैंने कहा चलो कुछ होगा, मैंने कहा छिपकली भी हो सकती है, देखा तो वो छिपकली थी। क्या वो गई किधर अभी? पता नहीं है। चले जी गाइस, मैंने अपने सोने के स्पेस को कर लिया है साफ और अपने मेकअप को, अपने फेस को भी कर लिया फ्रेश। बहुत मुश्किल होता है इतना सारा मेकअप अप्लाई, आज तो मेरा मेकअप यहाँ से बहुत ज्यादा, वो हीरा ने आज किया था प्रॉपर सैलॉन्स वाला मेकअप, तो वो उसको उतारते उतारते मुझे घंटा लग गया। तो अभी मैंने मुंह को फ्रेश किया है, सीरम लगाया है, अब मैं लगी हूँ सोने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।